छिंदवाड़ा में छोटे तालाब के पास अचानक बैलून सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। छिंदवाड़ा के छोटा तालाब के पास एक बड़ा हादसा हुआ। बैलून सिलेंडर फटने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे लगी बैलून की दुकान में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। बैलून में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फट गया। हादसे के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इसमें शहर के छोटा तालाब क्षेत्र में एक गुब्बारा भरने के सिलेंडर में अप्रत्याशित ब्लास्ट हो गया था और इसमें दुखद रूप से गुब्बारा बेचने वाले वृद्ध लगभग 65 वर्षीय और इसके साथ ही पास से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। घटना हुई है आज छोटे तालाब के पास में जो है सुभाष नगर है, वहाँ पे जो छोटा मेला लगा हुआ था वहाँ पे गुब्बारे भरने में गैस भरने वाला जो था शेख इब्राहिम उर्फ इद्दून चाचा, तो वो भर रहे होंगे गैस। उसी दौरान जो है वो विस्फोट हो गया और उसमें जो है वो उनकी मौके पे ही मौत हो गई और एक परिवार के तीन लोग वहीं से गुजर रहे थे, जिसमें जो 40 साल के पति हैं ताजुद्दीन अंसारी, अस्पताल आते आते जो है उनकी डेथ हो गई। उनकी पत्नी घायल हुई है, उनका बेटा घायल हुआ है और एक यादव सुरेश यादव करके है वो घायल हुए हैं। तीन लोग घायल हुए हैं। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।